हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एलकेजी में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। अब हिंदी में हमने इसके पहले बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे स्वर था आ ई ई उ ऊ ए री ए आई ओ औ अम अहा, तो ये हमने स्वर पढ़े थे। फिर इसके साथ में व्यंजन भी पढ़े थे, क ख ग घ ङ ज छ ज ज ञ ट ठ ण ण। फिर इस टाइप से हमने पूरे व्यंजन पढ़े थे ज्ञ तक, ड़ से ड़ तक। और इसके बाद में हमने कुछ बिना मात्रा वाले शब्द लिखे थे, फिर मात्रा वाले, बारह खड़ी, ये सब पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। फिर हमने जब स्वर में कुछ जैसे अ आ नहीं लिखे, फिर हमने इस तरह से आपको भी बताए थे कि यहाँ अ है तो यहाँ क्या आएगा आ, आपको वो भी लिखना सिखाए थे। इसी तरह क ख ग भी। फिर हिंदी की गिनती भी सिखाए थे। हिंदी की गिनती में 1 से 20 तक में शब्दों में, अंकों में, उसके बाद जोड़ी मिलाओ शब्दों में, अंकों में, ये सब हमने आपको सिखा चुके हैं। और उसके बाद में अब हमने फल के नाम से, फलों के नाम मतलब फल के पिक्चर बना के फलों के नाम से मिलाना है, इस तरह से हमने ये भी बताया था आपको। आज हम दो अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द भी सीखेंगे। तो हम यहाँ पर घड़ी डालते हैं, दो अक्षर वाले, दो अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द, क्या बिना, बिना मात्रा के शब्द, है ना। तो अब भी दो अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द ये आपकी बुक में है, पेज नंबर 47 पे। इसके पहले हमने इस तरह से ये पढ़े थे, मैंने भी आपको बताई कि नीचे दिए गए अ से ड तक के वर्णों को पूरा करो। हमने ये इसके पहले भी पढ़ चुके थे कि जैसे अ लिखा है तो आ लिखना है, ई लिखा है तो बड़ी ई लिखना है, और अ आ ई ई उ ओ, फिर उ री ए आई ओ अम अहा। तो ये कुछ लिखे शब्द थे, कुछ लिखना था। इसी तरह व्यंजन में भी था, कहाँ से, क से ड तक, है ना। तो ये भी हमने सीखे थे। आज हम दो अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द सीखने जा रहे हैं, और इसको कैसे लिखना है ये भी देखेंगे हम। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक कप का चित्र बना देते हैं, और कप के चित्र के आगे हम लिखेंगे दो अक्षर वाले शब्द, है ना, इस तरह से ये, ओके। उसके बाद में ये, अब उसके बाद में यहाँ पर हम लिखते हैं कप। अब ये कप का चित्र है तो यहाँ लिखेंगे कप। अब कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे क धन प, है ना, बराबर क प, ये लिखे हमने, यानी क कमल का लिखे, फिर धन का चिन्ह लिखा है, फिर प बराबर क। अब इसको हम 3 लाइन में भी लिख देते हैं, तो ये क और ये प, क, यानी ये बिना मात्रा वाले शब्द। उसके बाद में है यहाँ पर रथ। अब रथ का चित्र भी बना देते हैं यहाँ पर, और रथ का चित्र बना के फिर उसमें हम इस तरह से ये हमने रथ का चित्र भी बना देते हैं। तो रथ के चित्र में सबसे पहले हम कैसा लिखेंगे इसको, ये देखना है हमको। तो हम पहले लिखेंगे र धन थ बराबर र थ, ओके। अब इसको 3 लाइन में लिखना है, तो ये र और ये थ, रथ। अब इसके बाद में लिखते हैं हम बस, क्या लिखते हैं, बस, ओके। बस का चित्र बना देते हैं सबसे पहले हम, तो ये हमने बस का चित्र बनाया, ओके, ये बस। तो यहां पर हम लिख देते हैं ब धन स
स बराबर ब स। अब यहाँ तीन लाइन में लिख दिए हमने ब स। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम बनाते हैं नल का चित्र। क्या बना देते हैं? नल का चित्र। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न धन ल बराबर न ल। अब तीन लाइन में लिखा है इसको, तो न ल है ना, तो ये चार अक्षर हमने लिखे। ओके, क्या लिखे हमने? चार अक्षर, दो अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द। क धन प बराबर क प। फिर तीन बाई तीन लाइन में लिख दिए कि क और प। र धन थ बराबर रथ रथ। फिर ब धन स बराबर बस। न धन ल बराबर न ल। तो ये चार शब्द हैं। अब इसको अगर हमने एक एक शब्द पहले लिखे, फिर जोड़ के लिखे, फिर तीन लाइन में लिखे। अब इसको हमको पढ़ना है, जैसे तो क कमल का क, प पतंग का प, क प, र रस्सी का र, थ थ थर्मस का थ रथ। फिर ब ब बदक का ब, स सरते का स बस, न नर का न और ल लड़की का ल नल। तो चार शब्द थे। अब हमने ये बोर्ड पे लिखे हैं दो अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द। ओके, ये तो दो अक्षर वाले बिना मात्रा के कितने शब्द हैं? ये चार। अब इसको हमने पिक्चर बनाया कप का। फिर क धन प बराबर क। फिर रथ का चित्र बनाया, तो र धन थ बराबर रथ रथ। फिर ब धन स बराबर बस। फिर न धन ल बराबर न। तो ये चार शब्द हो गए, क रथ बस नल। ओके, तो ये चार शब्द हमने आपको पढ़ाए। अब चार शब्द के बाद में इसमें हम आपको एक आध शब्द और बताते हैं। तो हमने यहाँ पर ये चित्र बना दिए इस तरह से, ये ऐसा। अब ये क्या है? ख धन त बराबर ख त। क्या आएगा? ख त। ये तीन लाइन में लिख दिए ख त। ओके, फिर उसके बाद आता है ये ऐसा चित्र बना के, ये बना दिया हमने। क्या बना दिया? ट। तो ये ट धन ब बराबर ट है ना। अब इसको तीन लाइन में लिख लेते हैं, तो ये हो गया ट ब। ये हो गए हमारे कितने? छह शब्द। एक दो तीन चार पाँच छ, छह शब्द हो गए। अब ये छह शब्द सिर्फ दो अक्षर वाले शब्द हैं, क धन प बराबर क, र धन थ बराबर रथ, फिर ख धन त बराबर ख त, फिर ब धन स बराबर बस, न धन ल बराबर नल, ट धन ब बराबर टब। तो ये छह शब्द हैं, क रथ खर बस नल टब। तो ये जो छह शब्द हैं, इसको हमने दो अक्षर वाले में एक और दो है ना, हर जगह एक और दो, एक और दो, इस तरह से दो अक्षर वाले शब्द को हमने अलग अलग लिखे। पहले क लिखे, फिर प लिखे, जब उसको दोनों को एक साथ जोड़ दिए, तो ये क और प, क यानी ये एक शब्द बन गया। अभी क्या है? एक शब्द अलग है, एक शब्द अलग है, अलग अलग लिखे हैं, पर इनको जब जोड़ के लिखे तो ये क्या हो गए? दो अक्षर वाले शब्द। यहाँ पर ये बन गया शब्द। तो ये क धन प बराबर क प, यानी ये अक्षरों को इस तरह से लिख के आपको पढ़ना है, उसको जोड़ना है, और पढ़ते हुए जोड़ते हुए ये शब्दों को जो है छह शब्द, क रथ खर बस नल टब, ये छह शब्द आपके आप कॉपी में लिखेंगे। इसी तरह से अलग अलग पहले शब्द लिखेंगे कि ब धन स बराबर बस, क धन प बराबर क, र धन थ बराबर रथ, उसके बाद ख धन त बराबर खत, न धन ल बराबर नल, ट धन ब बराबर ट। छह शब्द हो गए जो ये आपकी बुक में भी लिखे हैं,
मैंने बोर्ड पे भी बताई हूँ, यहाँ पिक्चर भी बने, वहाँ भी पिक्चर बने, ये कप, रथ, बस, नल, खत, टब। तो ये आपको बोर्ड पे भी देखना है और आपकी बुक से भी देखते हुए, बुक से पढ़ते हुए और उसका उच्चारण करके लिखते हुए एक वीडियो छोटे से सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।